बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। जनाब मोहतरम एकमल सर गाला सर और वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर रियाज साहब, कल शाम को एक बड़ा अजीब वाक़या पेश आया। यहाँ पे एक चीता आया और वो आबादी में स्कूल के बच्चे, स्कूल है ये बड़ा, ये देखें ये रोड है, यहाँ पे वो आया। और उसके बाद फिर हम थोड़े एक्टिव हुए, सोशल मीडिया पे एक वीडियो अपलोड की। उसके बाद आपका महकमा ये जो वाइल्ड लाइफ है, इस काफ़ी इनिशिएटिव लिया, एक्टिव हुआ। मुजफ्फराबाद से मैडम शास्ता ने बाबर बेग को, और उसके बाद हमारे पास बंदे पहुंच गए, अली और नईम साहब, ये पहुंच गए। हम आपका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं जी महकमे वालों का। लेकिन अफसोस ये है कि ये जो बंदे हमारे पास आए हैं, इनके लिए अपनी सिक्योरिटी के लिए कुछ नहीं है ना इनके पास। ये देखें ये बंदा, ये नईम, ये यूनिफॉर्म है, इसके पास कुछ भी नहीं है। ये कैसे शेर को पकड़ेगा, कैसे चीते को पकड़ेगा, कैसे मतलब किसी सांप को पकड़ेगा। इनके पास इवन के जो हेलमेट होता है उस तक कोई चीज़ नहीं है, ग्लव्स नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो जनाब वज़ीर आज़म, जनाब मोहतरम अकमल सरगाला साहब, आपसे रिक्वेस्ट है कि कम अज़ कम इनके लिए जो ज़रूरी किट है वो मुहैया करें और कोशिश करें। ये देखें सर, हम जंगलों में रहने वाले देहाती लोग हैं, तो हमारे लिए जंगल भी अल्लाह की बहुत बड़ी नियामत है, और हमारे लिए हमारे माल मवेशी और हमारे बच्चे ये बहुत अहमियत के हामिल है। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि इस ये जो चीता है, इसका जल्द अज जल्द यहाँ से इसको उठाया जाए, ताकि ये जो खौफ का माहौल है ख़त्म हो। और ख़ास करके ये रोड है, यहाँ से छोटे बच्चे गुजरते हैं, सुबह अकेले स्कूल आते हैं जाते हैं, फिर आजकल असूज का मौसम है, माएँ बहनें घास काटने के लिए जाती हैं आती हैं। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि अपने महकमे को भी सिक्योर करें और हम लोगों को भी सिक्योर करें जी। बहुत शुक्रिया जी।